हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। बात करेंगे खांसी कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी खांसी में क्या सिरप लेनी चाहिए। सो खांसी दो प्रकार के होते हैं। पहला है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, जिसे हम नॉन प्रोडक्टिव खांसी भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी है वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी, जिसे हम प्रोडक्टिव खांसी भी कहते हैं। सो दोस्तों, बात करते हैं सूखी खांसी के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी खांसी में गले में दर्द होती है, अगर आँखों में हल्की सी नमी आती है, तो इस कंडीशन में आप डेक्सट्रोमीटर पर सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मार्केट में बेंड्राइल के नाम से ये सिरप आसानी से आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपके खांसी के साथ नाक भी बहता है, आँखों में पानी भी आता है, गले में जलन भी होती है, तो ऐसे कंडीशन में डेक्सट्रोमीटर पेन सॉल्ट तो रहेगा ही, इसके साथ क्लोरोफेनारामाइन नाम की एक सॉल्ट भी ऐड हो जाती है, जो हमारी नाक को बहने से रोकता है, जो मार्केट में जीडेक्स सिरप के नाम से आपको आसानी से मिल जाती है। और एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, गले में खराश होता है, नाक जाम हो जाती है, साइनस है तो वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों, डेक्सामेथासोन और क्लोरोफेनिराम के साथ और एक सॉल्ट ऐड हो जाती है, जिसका नाम है फेनिरेमाइन। सो इसका ऐड होने से साइनस की कारण जो सूजन होती है उसे कम कर देती है और ब्लॉकेज नाक को खोल देती है, जिससे कि हमें सांस लेने की जो तकलीफ़ होती है वो नहीं रहती है। सो इसके लिए मार्केट में एस्कोरिल डी प्लस नामक सिरप मिलती है, जो आपको आसानी से मिल जाती है। उसके बाद और एक प्रकार की खांसी होती है, जिसमें खांसी तो कभी कभार होती है, लेकिन क्या होता है, जब खांसी होता है उसके साथ उल्टी भी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ में आपका चेहरा भी लाल पड़ जाता है, जिसको हम काली खांसी भी कहते हैं। सो इस कंडीशन में लेवोक्लोपेरास्टाइन के साथ फेंडिजोइड नामक सॉल्ट भी दिया जाता है, जो मार्केट में ग्रिलिंग टास एल नामक सिरप के रूप में आसानी से मिल जाती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इन सारे सिरप्स के डोज यानी कि हमें खुराक कैसे लेनी है। सो जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनमें 5 ml करके लेनी चाहिए, 3 बार, सुबह 5 ml, दोपहर 5 ml और शाम को 5 ml करके लेनी चाहिए। अगर खांसी बहुत ज़्यादा है तो आप इसे 4 टाइम भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर 14 साल से ऊपर है, एडल्ट आदमी है, तो आप 10 ml करके ले सकते हैं और 3 बार ले सकते हैं, सुबह 10 ml, दोपहर 10 ml और शाम को 10 ml। और अगर खांसी ज़्यादा है तो आप इसे 4 बार भी ले सकते हैं। सो गाइस, ये तो रही सूखी खांसी की टाइप्स और दवा के बारे में। अब हम जानेंगे वेट कफ यानी बलगम वाली खांसी के बारे में। सो गाइस, बलगम वाली खांसी में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर जब भी स्टेटोस्कोप से आपके सीने में चेक करते हैं तो घर घर की आवाज़ आती है। ये इसलिए होता है कि हमारे सीने में जब बलगम भरा होता है तो पूरा फेफड़ा को जकड़ लेता है, इसलिए आवाज़ भी आने लगती है। सो गाइस, ऐसे कंडीशन में हम 2 तरह की सिरप यूज़ कर सकते हैं। एक तो है ब्रोंकियो डायलेटर। सो इसका मतलब ये है, जो सांस लेने की नली है उसमें अगर बलगम जमा हो जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो उसको फ्री कर देती है, जिस वजह से हम सांस लेने की जो दिक्कत होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मार्केट में ब्रोडेक्स का सिरप मिल जाता है, एस्थलिन मिल जाती है। सो ये 2 सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और एक टाइप्स, जैसे कि सीने में अगर बलगम जमा हो जाए तो उस बलगम को निकालने के लिए आप कुछ सिरप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एस्कोरिल प्लस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने से जो सीने की बलगम होती है वो निकाल देती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाता है। सो गाइस, यही था सूखी खांसी और बलगम खांसी की जानकारी और दवा के बारे में। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।